एलिगेशन लगाना अलग बात है। अगर एलिगेशन को आप लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, हम तो आपके जुबानी बात को भी जो है मोल दे रहे हैं। हम तुरंत जो है इसके बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इंक्वायरी कराएंगे। मेरे ध्यान में आपने लाया है, मैं तुरंत इंक्वायरी अभी जो है डिप्टी कमिश्नर जो है चंबा को कहता हूँ, जाके वो देखे। और एनक्रोचमेंट जो है खाली एक आरोपी के नहीं हो सकती है। एनक्रोचमेंट तो यहाँ पर आप जानते हैं कितने सारे हिमाचल के लोगों के एनक्रोचमेंट है, पर उसको इसके साथ जोड़ने का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बात अगर एनक्रोचमेंट का है तो ये पहले भी बोल सकते थे। एनक्रोचमेंट तो शायद इनके समय से भी हो सकता है जब इनकी सरकार थी। तो इस बात को इसके साथ जोड़कर इसमें कोई नमक मिर्च लगाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। जो मर्डर हुआ है उसको हम बिल्कुल जो है हमें हर तरह से उसकी जो है निंदा करते हैं, और जल्द से जल्द जो है चार्जशीट फाइल करके आरोपियों को जो हमारे कानून में सजा है सबसे जो कठोर से कठोर सजा है वो मिलनी चाहिए, उसके लिए हम पीछे नहीं है। नेगी जी, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक ये भी कुछ जानकारी मिली है कि इसमें कोई टेरर एंगल भी होता है? देखो हर उसमें मोटिव जो है लोग अपनी तरफ से जो इसमें डालते हैं, कोई टेरर का एंगल डालते हैं तो लोग इसमें जो है कोई अफेयर का एंगल भी डाल रहे हैं, तो ये चीजें तो सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन में आएगा। और किसी के पास अगर किसी किस्म का कोई भी अगर एंगल है, कोई भी सबूत है, चाहे टेरर का है चाहे किसी और अन्य का है, उसको आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हमेशा ओपन होता है, आप इन्वेस्टिगेशन कि जो उसको साथ दीजिए, आप उसमें सहयोग कीजिए ताकि उसमें जो भी सच्चाई है वो सामने आए। सर, क्या इसमें NIA की जांच करना, जांच की मांग करना जायज है? आपको लगता है किस तरह का केस है, किसमें किस तरह की इंक्वायरी हो सकती है? अभी तक तो जो है एक्यूज सारे अरेस्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास सबूत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है, NIA से कराइए जांच, कहां हम रुक रहे हैं। CBI इनकी है, CBI की जांच लोग कराए। जब अपने समय में जब ये यहाँ पर बड़े बड़े कांड हुए, कभी इन्होंने CIA और CBI और NIA की बात नहीं करे। हम तो कह रहे हैं आपके सारी सेंट्रल एजेंसीज आपके पास है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर टेरर का एंगल है तो हम उसके लिए स्वागत करते हैं, आप कीजिए। मर्डर चाहे किसी किस्म का भी हो, वो हमेशा ही दुखदायी होता है, और समाज में इस किस्म के जो वारदात है उसको रोकने के लिए हमें जो हमेशा जो है प्रयास करना चाहिए। अभी मैं भी चंबा में था और चंबा में मुझे कुछ लोग वहाँ मिले, उनकी भी यही मांग थी कि एक तो पहली मांग थी कि इस किस्म का जो हादसा हुआ है उसके बारे में नहीं होना चाहिए ये है। तो मर्डर के तुरंत बाद पुलिस अपने एक्शन में आई, उन्होंने आरोपियों को जो है अरेस्ट किया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है फुल उसमें है। और उस बीच में अगर हम जो है इन्वेस्टिगेशन के बीच में जाकर एक्यूज लोगों का मकान ही जला देते हैं और लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर इस किस्म से अगर कानून को अपने हाथ में लेकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं, मेरे समझ से बाहर है। क्या कोई रेडिकल आपको लगता है कि जो मुझे ये लग रहा है कि इसमें जो है अब ये कैसे कह रहे हैं कि ये जो है दलित है और दलित हिंदू है और इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुछ अन्य लोग हैं, इसको राजनीतिक रंग के साथ धार्मिक जो है रंग देकर हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके में जो है इस किस्म के मतलब हिंदू मुस्लिम करके यहाँ की शांति को ख़त्म करना चाहते हैं। हिमाचल के लोगों को जो एक यहाँ पर लंबे अरसे से भाईचारा के साथ रह रहे हैं हर धर्म के लोग, उसमें भी जो है किसी के अब क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो इस किस्म के काम करने इन्होंने शुरू कर दिए। हम इस मर्डर को जो है बिल्कुल इसके जो भी हुआ है उसके लिए हम जो निंदना जो भी करना चाहे वो कर रहे हैं, और जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। परंतु किसी आरोपी के मकान को जाकर आग लगाना ये जो है एक बहुत अपने आप में जो है एक किस्म से निंदनीय भी है और हमारे हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके के लिए ठीक नहीं है।